हेलो बच्चों, इंस्पायर एकेडमी बालाघाट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल हमारा फर्स्ट लेक्चर हुआ था और आज हमारा सेकंड लेक्चर है। और मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने कल के वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया है, लाइक हुआ है ना, आपने शेयर किया, बहुत खुशी हुई। वैसे ही आज अगर आपको ये वाला लेक्चर भी पसंद आए तो इसको भी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा कि इंस्पायर एकेडमी ही एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसने इंग्लिश मीडियम में PNST का कोर्स या बैच लॉन्च किया है ना। तो जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, सारे के सारे जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको सारे लेक्चर्स यूट्यूब पर मिलने वाले हैं। ठीक, कल हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। ठीक, हमने कल क्या-क्या कवर किया था ये देख लेते हैं, क्या-क्या टॉपिक हमने कवर किया था, और एक शॉर्ट रिवीजन भी देख लेते हैं। शॉर्ट रिवीजन तो कल हमने फिजिकल क्वांटिटीज कवर किया था, और क्या कवर किया था, सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी कवर किया था। ठीक है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमने आपको बताया था कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, ये भी हमने बताया था। हाँ, तो कल हमने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स की होती है। तो फिजिकल क्वांटिटी मैंने क्या बताया था आपको कि किसी भी क्वांटिटी को जब हम इंस्ट्रूमेंट के थ्रू क्या कर पाए, एकदम सही तरीके से है ना, मेजर कर पाए, तो वो क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है। जैसे हम लोग है ना लेंथ को मेजर कर पा रहे हैं, लेंथ को मेजर कर पाएंगे, और क्या होगा, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, और भी क्वांटिटीज हैं। फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप्स की होती है, तो फिजिकल क्वांटिटी टू टाइप्स की होती है। एक होती है आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सेकेंड क्या होती है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, इसको भी हमने एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक, इसके बाद हमने कवर किया था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर क्या था, क्यू क्या था, तो क्यू था फिजिकल क्वांटिटी, एन क्या था, न्यूमेरिकल वैल्यू, और यू क्या था बेटा, तो यूनिट था। ठीक, इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ यूनिट देखा था, तो कितने टाइप्स की होती है यूनिट, टू टाइप्स की होती है। एक होती है क्या, फंडामेंटल यूनिट है ना, और सेकंड क्या होती है, डिराइव्ड यूनिट। सेकंड क्या होती है, डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, जो किसी पर भी डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट होती है। और डिराइव्ड यूनिट किस पर डिपेंड करती है, तो फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड करती है। मतलब डिराइव्ड यूनिट फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनी होती है ना। इसके बाद हमने पढ़ा था है ना, एक मिनट बेटा। इसके बाद हमने पढ़ा था है ना, सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमने पढ़ लिया था। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या देखा था, हमने फोर टाइप्स के सिस्टम को देखा था। एक था अपने पास FPS सिस्टम, सेकेंड था अपने पास MKS सिस्टम है ना, और क्या था, CGS सिस्टम, और क्या था, SI सिस्टम। ठीक है, फोर टाइप्स के अपने पास क्या थे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे। इसके बाद हमने देख लिया था, इनके फुल फॉर्म भी हमने देख लिया था है ना। फुल फॉर्म देख लेते हैं एक बार। F का मतलब क्या होता है, फुट। P का मतलब क्या होता है, पौंड। S का मतलब क्या होता है, सेकेंड। फिर सी का देख लिया था, सी का सेंटीमीटर, जी का ग्राम, एस का सेकेंड, एम का क्या था, मीटर, के का किलोग्राम, एस का सेकेंड। ठीक, इसके बाद हमने देख लिया था, एक मिनट है ना बेटा, एक मिनट। इसके बाद हमने देख लिया था क्या, सम प्रैक्टिकल यूनिट्स। तो कौन सी यूनिट्स देख लिया था हमने, फर्मी भी देख लिया था। फर्मी में हमने क्या किया था, वन फर्मी इज इक्वल टू 10^-15, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10^-10 मीटर,
वन नैनोमीटर इज इक्वल टू 10^-9 मीटर, वन माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10^-6 मीटर, ये भी हमने देख लिया था, ठीक। इसके बाद वेरी लार्ज डिस्टेंसेस, है ना, ये किस लिए था, स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए था, है ना, ये किस लिए होगा बेटा, लार्ज डिस्टेंसेस के लिए। तो लार्ज डिस्टेंसेस में हमने क्या क्या देखा था, लार्ज डिस्टेंस में हमने क्या देखा था, लाइट ईयर देखा था, वन लाइट ईयर इज इक्वल टू कितना होता है ना, 9.46 इंटू 10^15 मीटर, ये भी हमने आपको बता दिया था। वन एस्ट्रोनॉमिकल कितना होता है, वन एस्ट्रोनॉमिकल 1.496 इंटू 10^11 मीटर, ये भी हमने देख लिया था, ठीक। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और क्या देखा था, वन पार्सेक, ये मैंने आपको कमेंट बॉक्स में बताने बोला था, है ना, तो कुछ स्टूडेंट ने आंसर दिया है 3.08 इंटू 10^16 मीटर, ये होता है बेटा वन पार्सेक का वैल्यू। पार्सेक, पार्सेक क्या होता है, पैरेलैक्टिक सेकंड, इसका फुल फॉर्म है पैरेलैक्टिक सेकंड। इसके बाद है ना, नेक्स्ट टॉपिक, कुछ रिलेशंस गिवन है अपने पास, इन रिलेशंस को आपको याद रखना होगा। वन लाइट ईयर इज इक्वल टू कितना होता है, 6.3 इंटू 10^4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। वन पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। वन पार्सेक इज इक्वल टू 3.06 इंटू 10^5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक। इसके बाद है ना, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो भी हमने टॉपिक पढ़ा है उस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं, ध्यान से समझना। द क्वांटिटी हैविंग द सेम यूनिट्स इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स कितने टाइप्स की होती है, पहले तो ये रिवाइज कर लो, तो कितने टाइप्स की होती है, 4 टाइप्स की होती है। फर्स्ट क्या थी बेटा, फर्स्ट थी अपने पास CGS, सेकेंड देख लेते हैं MKS, है ना, FPS, और एक क्या थी SI। तो इन चारों सिस्टम में, चारों सिस्टम में S क्या था, सेकेंड, S क्या था, सेकेंड, S क्या था, सेकेंड, और SI में भी क्या था, टाइम के लिए सेकेंड। तो क्या पूछ रहा है, सेम यूनिट, मतलब किसकी सेम यूनिट थी, तो टाइम की, सेकेंड 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 सेकेंड, तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास क्या, टाइम, ठीक है। द क्वांटिटी हैविंग द सेम यूनिट्स इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मास की तो क्या होती है, किलोग्राम होती है, किसमें, एसआई में। यहां पर मास के लिए क्या होता है, पौंड होता है, यहां पर मास के लिए क्या होता है, किलोग्राम होता है, यहां पर मास के लिए क्या होता है, ग्राम होता है, ठीक। वैसे ही लेंथ का भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप है, हमने आपको पहले भी बता दिया है। विच ऑफ द, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो हमने डिस्टेंस की कौन सी यूनिट पढ़ा है, फर्मी पढ़ा है, एंगस्ट्रॉम पढ़ा है, एस्ट्रोनॉमिकल, लाइट ईयर, है ना, और क्या देखा है, पार्सेक भी देखा है हमने, माइक्रोन देखा है, ठीक, नैनोमीटर देखा है। तो यहां पर क्या पूछ रहा है आपसे, नॉट अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट नहीं है। फर्मी डिस्टेंस की यूनिट है, माइक्रोन डिस्टेंस की यूनिट है, एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस की यूनिट है, लेकिन स्टेरेडियन, स्टेरेडियन किसकी यूनिट है, सॉलिड एंगल की यूनिट है, सॉलिड एंगल की यूनिट है। और कल भी मैंने आपको बताया है कि सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सॉलिड एंगल के लिए फॉर्मूला होता है dA अपॉन r स्क्वायर, कल के लेक्चर में ये हमने आपको बता दिया है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से समझना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और पार्सेक लार्ज डिस्टेंसेस फाइंड आउट करने के लिए यूज की जाती है, ये भी मैंने आपको बताया था।
तो लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ टाइम की है? नहीं है। स्पीड की? नहीं है। किसकी है बेटा? डिस्टेंस की। तो लाइट ईयर जो यूनिट है वो किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की यूनिट है। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को आप बहुत ज्यादा ध्यान से देखेंगे। जरा देखो, आंसर भी करो, क्या आंसर आएगा? 2019, 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है पीएनएसटी की एग्जाम में। 2019, ध्यान से पढ़ो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी? फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, फंडामेंटल क्वांटिटी देख लो। क्या वेट फंडामेंटल क्वांटिटी है? क्या वेट फंडामेंटल क्वांटिटी है? क्या वर्क फंडामेंटल क्वांटिटी है? क्या इलेक्ट्रिक करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है? क्या फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल क्वांटिटी है? तो जरा ध्यान से समझना, मैंने आपको सेवन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज भी बताया है। तो वेट तो बिल्कुल नहीं होगा, वर्क बिल्कुल नहीं होगा, ये सब क्या है? डिराइव्ड है। इलेक्ट्रिक करंट देखते हैं, फ्रीक्वेंसी डिराइव्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इलेक्ट्रिक करंट, समझ गए? इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। 2019 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आपको जितना मैंने पढ़ाया है बहुत अच्छे से समझना है और पढ़ना है ना। अपनी नोट्स अपने साथ में रखें, ऐसा नहीं कि बस लेक्चर देखने आ गए। ठीक। आपको अपनी नोट्स पेन साथ में रखना है और नोट करते चलना है जो भी मैं पढ़ा रहा हूं आपको। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड अपनी देख लेते हैं। चलो, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, बेटा क्या? प्रीफिक्सेस ऑफ पावर ऑफ 10। क्या? प्रीफिक्सेस ऑफ पावर ऑफ 10। न्यूमेरिकल में इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, बहुत ज्यादा। ध्यान से समझना और ध्यान से सुनना। ठीक। थोड़ा ध्यान से समझना ऐसे। ठीक, बहुत ज्यादा ध्यान से समझना है। पावर ऑफ 10, 10 रेस्ट टू द पावर -1, 10 रेस्ट टू द पावर -2, 10 रेस्ट टू द पावर -3 है ना। थोड़ा लाइट हो रहा है क्या? दूसरा पेन ले लेते हैं। ठीक। 10 रेस्ट टू द पावर -1, 10 रेस्ट टू द पावर -2, 10 रेस्ट टू द पावर -3, 10 रेस्ट टू द पावर -6, 10 रेस्ट टू द पावर -9, 10 रेस्ट टू द पावर -12, 10 रेस्ट टू द पावर -15, 10 रेस्ट टू द पावर -18। समझ गए? 10 रेस्ट टू द पावर -1, -2, -3। -3 के बाद क्या है? सीधे -6, -9, -12, -15, -18। 10 रेस्ट टू द पावर -1 को बोलते हैं डेसी, 10 रेस्ट टू द पावर -2 को बोलते हैं मिली, है ना। सॉरी, है ना, 1 मिनट, इसे हम एक मिनट। है ना, क्लीन ही कर देते हैं, 1 मिनट, है ना। 10 रेस्ट टू द पावर -1 को लिखेंगे आप डीसी, 10 रेस्ट टू द पावर -2 को आप लिखेंगे सेंटी, 10 रेस्ट टू द पावर -3 मिली, 10 रेस्ट टू द पावर -6, 10 रेस्ट टू द पावर -6 माइक्रोन या माइक्रो, 10 रेस्ट टू द पावर -9 नैनो, कल भी बताया था मैंने आपको, 10 रेस्ट टू द पावर -12 पीको, 10 रेस्ट टू द पावर -15 फेमटो,
टेन रेस टू द पावर माइनस 18 82। आई होप आप ये प्रीफिक्सेस समझ गए, प्रीफिक्सेस समझ गए। टेन रेस टू द पावर माइनस 1 डीसी, टेन रेस टू द पावर माइनस 2 सेंटी। इनका यूज कैसे करेंगे अभी मैं आपको बताऊंगा। टेन रेस टू द पावर माइनस 3 मिली, टेन रेस टू द पावर माइनस 6 माइक्रो, टेन रेस टू द पावर माइनस 9 नैनो, टेन रेस टू द पावर माइनस 12 पीको, टेन रेस टू द पावर माइनस 15 फेमटो और टेन रेस टू द पावर माइनस 18 82। इसके लिए सिंबॉल जरा देखेंगे, डीसी के लिए आ जाएगा सी, सेंटी के लिए सी, मिली के लिए एम, माइक्रो के लिए है ना ये म्यू आ जाएगा, नैनो के लिए एन, पीको के लिए पी, फेमटो के लिए एफ और एटो के लिए क्या आ जाएगा बेटा ए आ जाएगा। तो ये जो प्रीफिक्सेस हुए, ये प्रीफिक्सेस किसके लिए थे? माइनस के लिए थे। अब प्रीफिक्सेस लिखते हैं किसके, है ना, प्लस वाले। टेन रेस टू द पावर 1, टेन रेस टू द पावर 2, टेन रेस टू द पावर 3, टेन रेस टू द पावर 6, टेन रेस टू द पावर 9, टेन रेस टू द पावर 12, टेन रेस टू द पावर 15 है ना, और टेन रेस टू द पावर 18। टेन रेस टू द पावर 1 को बोलते हैं डेका, ठीक है, क्या बोलेंगे बेटा डेका। टेन रेस टू द पावर 2 को है ना, टेन रेस टू द पावर 2 को हेक्टो, टेन रेस टू द पावर 3, टेन रेस टू द पावर 3 को बोलेंगे आप किलो, टेन रेस टू द पावर 6 है ना मेगा, टेन रेस टू द पावर 9 गीगा, टेन रेस टू द पावर 12 है ना ये हो जाएगा आपका गीगा है ना, गीगा तो ये हो गया, सॉरी, अरे यार एक मिनट बेट, है ना गीगा, ठीक गीगा। इसके बाद आ जाएगा आपका है ना एम, मेगा, गीगा और ये हो जाएगा है ना एक मिनट एग्जा, ठीक है टेरा और ये हो जाएगा पेटा, ठीक। तो ये आपके क्या थे बेटा, प्रीफिक्सेस थे, क्या थे बताइए, प्रीफिक्सेस थे डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा है ना पेटा, टेरा और एग्जा, ठीक। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट है ना स्लाइड देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है जरा ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। अभी मैंने जो प्रीफिक्सेस लिखा है ना अभी मैंने जो प्रीफिक्सेस लिखा है वो क्या है बताइए, वो जो मैंने लिखा है उसका यूज कैसे होगा जरा ध्यान से समझना। वन नैनो सेकेंड क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी सेकेंड इन वन नैनो सेकेंड, तो सेकेंड तो आपका एज इट इज रह गया लेकिन नैनो के प्लेस पे क्या आएगा, तो प्रीफिक्सेस में देखिए नैनो कितना लिखा है मैंने, टेन रेस टू द पावर माइनस 9। वन मेगा हर्ट्ज में कितने हर्ट्ज होते हैं, तो हर्ट्ज जरा देखिए एज इट इज रह गया लेकिन चेंज क्या हुआ होगा बेटा मेगा, तो मेगा को कितना लिखते हैं, टेन रेस टू द पावर 6। वन माइक्रो वोल्ट है ना, तो वोल्ट तो एज इट इज रह गया लेकिन चेंज क्या हुआ है बताइए माइक्रो, तो टेन रेस टू द पावर माइनस 6 क्या कहते हैं इसे, माइक्रो कहते हैं। इसके बाद वन मिलीमीटर, वन मिलीमीटर, मीटर एज इट इज रह गया तो किस वर्ड के लिए आएगा, मिली के लिए आएगा, तो मिली के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, टेन रेस टू द पावर माइनस 3। ये है प्रीफिक्सेस का यूज, ठीक है। अब आपको जैसे पूछा जाए हाउ मेनी मीटर इन वन नैनोमीटर, हाउ मेनी मीटर इन वन नैनोमीटर, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था है ना कितने मीटर होता है, टेन रेस टू द पावर माइनस 9 मीटर होता है।
वैसे ही अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हाउ मेनी सेकेंड इन 1 नैनो सेकेंड, तब आप क्या कहेंगे? 10^-9. 1 MHz इज इक्वल टू द 10^6 Hz. 1 μV इज इक्वल टू 10^-6 V. 1 mm इज इक्वल टू 10^-3 m. ठीक, आई होप आप समझ गए इसको। इसके बाद है ना, नेक्स्ट स्लाइड है अपनी, ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा ध्यान से समझने की जरूरत भी है। ठीक, जरा ध्यान से समझना, कन्वर्जन करना है अपने को। द स्पीड ऑफ कार इज 36 किलोमीटर पर आवर। कार की स्पीड कितनी है? 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक घंटे में कार कितना चलती है? 36 किलोमीटर। 1 आवर में कितना चल रही है? 36 किलोमीटर। फाइंड इट्स वैल्यू इन मीटर पर सेकेंड, मतलब अपन को किलोमीटर को चेंज करना है मीटर में और आवर को चेंज करना है किसमें? सेकेंड में। बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन में बेसिक से बता रहा हूं, उसके बाद में उसकी ट्रिक बताऊंगा। ठीक, चलो, मुझे चेंज करना है किसे, 36 किलोमीटर पर आवर को। ठीक, किसमें चेंज करना है? मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। ठीक, ध्यान से समझना बेटा, 36 किलोमीटर पर आवर, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? 36 × 1 किलोमीटर, और ये पर है तो इसका क्या हो जाएगा? अपॉन आवर है तो आवर, इसे मैं 1 आवर लिख सकता हूं। ठीक, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं। अब जरा ध्यान से समझना, 36 में एज इट इज लिख दे रहा हूं, इनटू 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? क्योंकि मुझे किलोमीटर को किस में चेंज करना है? मीटर में। तो सब लोगों को पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, जल्दी बताओ। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर। कितना होता है? 1000 मीटर अपॉन 1 आवर में। 1 आवर में कितने सेकेंड होते हैं? सोचो जल्दी से, 1 आवर में कितने सेकेंड होते हैं? चलो इस साइड बता देते हैं, है ना, 1 आवर में होते हैं 60 मिनट, सभी को पता है ये। 1 आवर में कितने होते हैं? 60 मिनट। आप जरा ध्यान से समझना, 1 मिनट में होते हैं कितने सेकेंड? 60 सेकेंड। तो 60 मिनट में कितने सेकेंड हो गए? तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 60 × 60 कितना हो जाएगा बेटा? 3600 सेकेंड। ठीक, तो 1 आवर में कितने सेकेंड हो रहे हैं? 3600 सेकेंड। ठीक, अब जरा ध्यान से समझना, 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट। ठीक, रिमेनिंग पार्ट क्या है? 36 × 10/36, 2 5 = 10, 2 1 = 2, 2 8 = 16, 36 × 5/18। ठीक है क्या? कितना आया? 5/18, कट करो जरा, 18 2 = 36, 5 2 = 10 मीटर पर सेकेंड। एकदम बेसिक क्वेश्चन है ये। अब हम एग्जाम में इतनी प्रोसेस तो नहीं कर सकते, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। अब जरा ध्यान से समझना मेरी बात, ये देखिए 36 लास्ट तक क्या रहा है बेटा? एज इट इज रहा है यहां तक। ठीक है, मैंने किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करने की कोशिश करी है किसमें? मीटर पर सेकेंड में। तो 1 किलोमीटर और 1 आवर को जब मैं सॉल्व करते आया
तो यहां पर कितना आया जरा देखिए, 5/18। इसका मतलब ये है अगर किलोमीटर पर आवर को, किसको बेटा, किलोमीटर पर आवर को मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहूं तो डिजिट में मुझे 5/18 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 5/18 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अब मल्टीप्लाई जरा देखो कि ये ट्रिक काम करती है कि नहीं। तो जैसे मैंने 36 लिखा, 36 इंटू 5/18, 18 टू जा 36, 5 टू जा 10, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, अगर मुझे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है और न्यूमेरिकल में किलोमीटर पर आवर आया है और उसे मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहता हूं, तो डिजिट में आप क्या कर दीजिए, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। 36 किलोमीटर पर आवर को अगर आप मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाह रहे हैं तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा मीटर पर सेकंड में, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब मैंने आपको ट्रिक भी दे दिया, ये ट्रिक आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इस ट्रिक से बन रहा है कि नहीं क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देख रहे हैं। तो मैंने आपको बता दिया है किलोमीटर पर आवर को अगर आप मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्पीड ऑफ कार, कार की स्पीड कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर। फाइंड इट्स वैल्यू इन मीटर पर सेकेंड। आपको वैल्यू किसमें फाइंड आउट करना है, मीटर पर सेकेंड में फाइंड आउट करना है। ठीक, मैंने आपको ट्रिक दे दिया, 72 में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किसका, 5/18 का। 18 4 जा 72 और 4 5 जा कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्ट आंसर। ठीक, तो 72 किलोमीटर पर आवर, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपना, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, ट्रिक को याद रखेंगे है ना। फिर से देखिए ये क्वेश्चन आ गया अपने पास, 36 किलोमीटर पर आवर को अपन को चेंज करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में। क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं, अ व्हीकल इज मूविंग एट द रेट ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 आवर में कितना चल रही है, 36। कोई भी व्हीकल है अपने पास, सपोज बाइक है, तो बाइक कितने भी चल रही है 1 आवर में, 36 किलोमीटर। हाउ मेनी, क्वेश्चन समझना क्या बोल रहा है, हाउ मेनी मीटर विल इट ट्रेवल, है ना, वो मीटर है। ठीक, क्या है बेटा, वो मीटर विल इट ट्रेवल इन 1 सेकेंड, कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, कितना मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो 1 सेकेंड में कितना मीटर। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितना मीटर, है ना, कितना मीटर चलेगी, ये आपको बताना है। इसका मतलब ये हुआ कि किलोमीटर को मुझे चेंज करना है किसमें, मीटर में, और आवर को चेंज करना है मुझे किसमें, सेकेंड में। तो वैसे तो मैंने आपको ट्रिक दे ही दी है, क्या 36 में आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए किसका, 5/18 का, हो गया आंसर आ गया, कैंसिल आउट करो, 18 2 जा 36, 5 2 जा 10, क्या आंसर आएगा अपना, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, अब बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। ठीक, ध्यान से समझें, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन इज 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, किसमें, सीजीएस में। ठीक, फाइंड इट्स डेंसिटी इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब जरा समझना, ये है कौन सी बेटा, सीजीएस यूनिट, आपको पता है मैंने सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ा दिया है। किलोग्राम अगर आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सी यूनिट है, एसआई यूनिट।
इसका मतलब ये हुआ कि मुझे सीजीएस से चेंज करना है किसमें, एसआई में। सीजीएस से चेंज करना है किसमें, एसआई में। अब करना क्या होगा, वही प्रोसेस करना होगा जो थोड़ी देर पहले किए थे। तो जरा ध्यान से समझिए, 7.8 है ना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं बेटा, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, 7.8 इंटू 1 ग्राम अपॉन 1 सेंटीमीटर क्यूब। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। अभी मैंने आपसे कहा 1 किलोग्राम है ना, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, जैसे मैंने 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं ये पूछा था, वैसे ही 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे ये बताइए आप। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होता है, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से समझना, अगर मैं यहां से 1 ग्राम निकालना चाहूं, 1 ग्राम निकालना चाहूं तो 1000 को आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो ये हो गया आपका 1000 किलोग्राम है ना, कितना किलोग्राम हो गया, 1 अपॉन 1000। 1000 को आप कितना लिखते हैं, 10 की पावर 3, कितने जीरो जरा देखो, 1 2 3, इसलिए क्या लिखेंगे, 10 की पावर 3। किलोग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम, या तो आप 10 की पावर 3 को ऊपर लेके चल जाइए, तो 10 रेस्ट टू द पावर -3 किलोग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम। आई होप आप समझ गए कि 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, तो ये कितने होते हैं बेटा, 10 रेस्ट टू द पावर -3 किलोग्राम, ठीक। हाँ तो इसको हम साइड में रब कर लेते हैं, ठीक। अब अपने को रिलेशन मिल गया है, क्या रिलेशन मिल गया है, 1 ग्राम इज इक्वल टू होता है 10 रेस्ट टू द पावर -3 किलोग्राम, ठीक है। 1 ग्राम इज इक्वल टू क्या, 10 रेस्ट टू द पावर -3 किलोग्राम। तो 1 ग्राम के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूं, 7.8 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर -3 किलोग्राम, ठीक है। तो ग्राम कन्वर्ट हो गया किसमें, किलोग्राम में। ग्राम कन्वर्ट हो गया किसमें, किलोग्राम। उसके बाद जरा ध्यान से समझना, मुझे सेंटीमीटर को चेंज करना है, सेंटीमीटर को चेंज करना है किसमें, मीटर में, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझना, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, सबको पता है, या 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 मीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 को मैं क्या लिख सकता हूं, 10 की पावर 2, जैसे मैंने यहां पे 10 की पावर 3 लिखा था थोड़ी देर पहले, वैसे ही 10 की पावर 2 लिख सकता हूं। 10 की पावर 2 को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर -2 मीटर। आई होप आप समझ गए। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 रेस्ट टू द पावर -2 मीटर, समझ गए, हाउ मेनी मीटर इन 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 रेस्ट टू द पावर -2 मीटर। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं 10 रेस्ट टू द पावर -2 मीटर, ठीक है। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर दीजिए, क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है जरा देखो, है ना। पर एक बात का ख्याल रखेंगे आप, अगर यहां पर क्यूब है तो आपको इसका भी क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब है ना, और सेंटीमीटर क्यूब को किसमें चेंज करना है, मीटर क्यूब में। अगर क्यूब है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका क्यूब करना पड़ेगा। 7.8 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर -3 किलोग्राम अपॉन 10 रेस्ट टू द पावर, का पावर के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई, 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 मीटर क्यूब। आप कैंसिल आउट कर दीजिए, तो 7.8 इंटू 1 अपॉन, यहां पर कितना बचा है बेटा, 10 की पावर -3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक। अब जरा ध्यान से समझें, 7.8 है ना,
पावर दे रहा, देखो माइनस में है, इसे मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आई होप आप समझ गए, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि कौन सा आंसर अपना आएगा, 7.8 × 10⁴ नहीं, पावर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, 7.8 × 10�³, ये अपना क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर पावर 10³ है लेकिन डिजिट क्या है, 8.5, डिजिट देखिए 8 है और क्या है 5 है, ये नंबर अपन को नहीं चलेगा। तो अपना आंसर क्या हो गया, 7.8 × 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक, ये अपना आंसर आ गया। आई होप आप समझ गए। अब एक बात का ख्याल रखें, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया, किलोमीटर पर आवर को आपको किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो आपको डिजिट में 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, आप उसका रिवर्स करेंगे, जैसे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना चाहते हैं तो आप डिजिट में 18/5 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ही जरा देखिए, मैंने यहां पर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को क्या किया बेटा, कन्वर्ट किया किस में, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। तो लास्ट में जरा देखो, ये सॉल्व करते करते जब मैं आया तो यहां पर मुझे क्या मिला है, 10⁴। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आप चेंज करना चाहते हैं, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में चेंज करना चाहते हैं, तो आप 10�³ से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगी अपनी ट्रिक, ठीक। इसके बाद इसी ट्रिक से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि नहीं, ये देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखे क्या है, अरे वाह, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा PYQ है, और इस PYQ को जरा ध्यान से समझेंगे, ठीक। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट जरा देखो, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा है। इन CGS सिस्टम इट्स वैल्यू इन SI सिस्टम इज, इसकी वैल्यू आपको SI में बताना है। अभी थोड़ी देर पहले ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ था और कहा था कि किलोग्राम पर मीटर क्यूब में चेंज करो, ठीक। यहां पर क्या लिखा हुआ है कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ये गिवन है और आपको SI सिस्टम में बताना है, तो अपन को तो पता है, हमें पता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को अगर मैं SI में कन्वर्ट करूं तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ जाए। ये है आपका CGS सिस्टम और ये है आपका SI सिस्टम, ठीक। अब करते क्या है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इनटू करना है कितना, 10³, और अपोजिट अगर करना चाहते हैं, किलोग्राम पर मीटर क्यूब को आप चेंज करना चाहते हैं किसमें, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो 1/10³ से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा, अपने पास डिजिट कितना है, 13.6 इनटू कन्वर्ट करना है किसमें, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, 10³ से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा बहुत ही इजी वे में। तो ये आपके लिए एक ट्रिक बन गई क्या, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा 10³ से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा यहां पर मिसप्रिंट हुआ है ना, ये यहां पर 4 है, ठीक, यहां पर 3 है ना, यहां पर क्या है बेटा 4 है, ठीक है,
ये यूनिट में थ्री है, थ्री है, ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये भी थ्री है, ये भी थ्री। अब बताओ जरा आंसर कौन सा होगा, आंसर क्या होगा जल्दी बताओ। तो अपना आंसर होगा 13.6 इंटू 10^3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और ये क्वेश्चन देख लो कब आया हुआ है, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इस पर अपन को वर्क करना है, हमें वर्क करना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे तो ये सबको पता होता है, हम आपको इसका डायरेक्ट आंसर बताएंगे, है ना। वन न्यूटन इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, न्यूटन इज इक्वल टू कितना डाइन होता है। न्यूटन है एसआई यूनिट और डाइन है क्या, सीजीएस यूनिट। डाइन क्या बताइए, सीजीएस यूनिट, ठीक। तो वन न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10^5 डाइन, ठीक है। आई होप आप सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके बाद का कवर करेंगे, और जैसा कि जितना लाइक और शेयर आपने कल के वीडियो को किया था, वैसे ही आज के वीडियो को भी आपको करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, और अच्छे से पढ़ाई करें, है ना। ओके।